भारत श्रीलंका सीरीज में माई 11 सर्कल ऐप पर बनाएं अपनी टीम, चैंपियंस को हराएं और जीतें ढेर सारा कैश। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल का ऐप, पाएं 1500 का बोनस, 20% एक्स्ट्रा कैशबैक। भारत के 9 मुक्केबाज जा रहे हैं इस बार टोक्यो, और इन 9 में से अगर 5 बॉक्सर जो हैं वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडलिस्ट हों तो उम्मीदें जगना बहुत ही स्वाभाविक है, और उसमें कई अर्जुन पुरस्कार विजेता भी हैं। क्या संभावनाएं हैं भारतीय टीम से, कितनी उम्मीदें हम जगाएं, इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शिव सिंह जी, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं और पिछले तकरीबन 25 वर्षों से भारतीय टीम के साथ जुड़े रहे हैं, चाहे वो सब जूनियर हो, चाहे जूनियर हो, चाहे सीनियर हो, चाहे महिला टीम ही क्यों ना हो। और शिव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, मैं आज आपके साथ हूँ। सर, आपसे सबसे पहला तो सवाल वही कि भारतीय टीम, वैसे तो हर बार कोई ना कोई उम्मीद लगाती है, और 2008 में तो उम्मीद पूरी भी हुई थी हमारी, विजेंद्र सिंह ने भारत को पदक भी दिलाया था, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं हम? उम्मीद करना बहुत अच्छी बात है, और हमें क्या पूरे भारत को, हमारे को आपकी उम्मीद है कि हम आपकी अच्छा प्रदर्शन करेंगे जैसा कि हमने पहले करा है। उसका एक कारण भी है, पहले हमारे पास ऐसा कारण नहीं होता था, जिसकी वजह से आज हम अपने कारण के साथ उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखें हमारे जो खिलाड़ी हैं, स्पेशली मेन और विमेन में, वो जो आईबा की रैंकिंग है उसमें बहुत अच्छे हैं। अगर बात करी जाए अमित की, अमित जो है हमारे एक अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं और वो वर्ल्ड चैंपियन को हरा भी चुके हैं, और जो उनका मुख्य प्रतिद्वंदी है और उसके साथ कंपटीशन होगा उसको वो हरा चुके हैं पहले, इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 पर हैं। हमें उम्मीद है कि शायद हमारे को अब की हमारी बहुत सालों से जो प्रतीक्षा थी वो पूरी। देखिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, एशियन गेम्स आई तो वहां पर भी वो अव्वल रहे, वर्ल्ड कप आया वहां पर भी वो अव्वल रहे, और अपनी अच्छी फॉर्म का उन्होंने परिचय भी दिया और कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं। आपको क्या लगता है कि जो कंपटीशन है उनको ज्यादा किन बॉक्सेस से उनको मिल सकता है, और बिग बाउट लीग में भी हम उनके जलवे देख चुके हैं, बिल्कुल अपराजित थे वो। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है, हम सब कुछ नंबर 1 पर हैं, सारी चीजें हमारे हमारी फेवर के अंदर हैं। मैं इस बारे में ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि बॉक्सिंग एक खेल ऐसा है, हमारा खेल ऐसा है, हम नंबर 1 हैं, सब कुछ नंबर ठीक है, सब कुछ हमारी फेवर में है, हवा भी हमारी से फेवर में है, लेकिन कभी हम प्रेडिक्शन नहीं करते। बॉक्सिंग जो है 25 सेंस का गेम, क्योंकि काफी कुछ ड्रॉ पर भी निर्भर करता है ना शिव जी, कि आपका ड्रॉ केस कैसा आता है। पहले करता था जी, अब सामने वाले को देखना, ये हम पहले सोच कर चलते थे कि ड्रॉ कैसा है। कई बार मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मैंने एक बार जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में वुमेन्स में टीम लेकर गया सब जूनियर्स की, हमारी वुमेन्स की कहीं रैंकिंग नहीं थी, जब मैंने ड्रॉ देखा, जो पुराने चैंपियन थे वो सारे ही हमें कोई नंबर 1 पर भिड़ रहा है, कोई नंबर 2 पर भिड़ रहा है, और सबसे टफ ड्रॉ, तो मैंने सोचा कि अब की तो इज्जत बचाना मुश्किल हो जाएगी, इतना टफ ड्रॉ है कैसे करा जाएगा। चलो हमारे खिलाड़ी ठीक है, अगर हम अच्छा सा करेंगे तो देखा जाएगा। ये ताइपाई वर्ल्ड चैंपियनशिप सब जूनियर की बात कर रहा हूँ, वुमेन्स की। उस चैंपियनशिप में हमारे पास 3 गोल्ड मेडल थे और 2 सिल्वर मेडल थे वर्ल्ड चैंपियनशिप पे, तो बॉक्सिंग में प्रेडिक्शन करना जरा थोड़ा मुश्किल होता है। उस वक्त कैसा खिलाड़ी खेला और पंच कैसा लग गया, एक भी पंच जो होता है वो सारे खेल को बदल जाता है, चाहे वो गलती से लग जाए। और मनीष कौशिक साहब पे मैं आना चाह रहा था कि जिस तरह से आपने पंच की बात कही, वो भी पंच में बड़े अच्छे तेज तरार मुक्केबाजी के लिए जाने जाते हैं। बॉक्सम इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट हुआ था वहां पर पिछले दिनों उन्होंने स्वर्णिम सफलता हासिल करके भारत को उम्मीदें जगाई हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप के वो मेडलिस्ट भी हैं, और इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स में भी वो फाइनल तक उन्होंने अपनी चुनौती रखी थी। आप ओलंपिक पिछले 2008 के ओलंपिक में देखिए, अखिल ने पहले ही बाउट के अंदर वर्ल्ड चैंपियन को हरा लिया, फर्स्ट बाउट उसके साथ था, उसको हरा दिया था, और ये चीज हम अच्छी तरह जानते थे कि अखिल जिसके साथ पहला बाउट खेलेगा हरा देगा। और जहां मेडल टैली बाउट आया वहां एक अनजान अनसीडेड खिलाड़ी से वो हार गया, और ये बॉक्सिंग की एक खासियत है, इसीलिए हम उसको ड्रॉ करते हैं।
और अब तो खैर सीट देना शुरू कर दिया, लेकिन हमारे चार खिलाड़ियों को सीट मिलेगा इसमें, अच्छा मिला है, और हमारे को उम्मीद है कि हम अपनी मेडल से वापस आएंगे। लाइट वेट और मनीष के बारे में आप जरा थोड़ा सा बताइए, हमारे श्रोता जानना चाह रहे हैं, आपके मुख आपके आपकी तरफ से सुनना चाह रहे हैं कि किस तरह का उनका प्रदर्शन जैसा रहा, वो तो मैंने प्रदर्शन बताया, लेकिन कितनी उनसे आप उनको किस तरह की आप टिप्स देना चाहेंगे? मनीष एक साउथपा बॉक्सर है हमारे, और वो काउंटर पर खेलते हैं, और काउंटर पर वो सिंगल काउंटर करते हैं, अगर वो कंटिन्यूअस में अटैक करें या डबल काउंटर काउंटर अटैक करें तो उनको सफलता मिलना अवश्य है। वो अच्छे से अच्छे बॉक्सर को वो खेल सकते हैं, और एक खासियत और है, क्योंकि वो बॉक्सर जो है ये नहीं है कि किसी तरीके से मन में कोई घबराहट है या कोई चीज ऐसे, वो अपने पे विश्वास करके खेलता है, अपनी जेब में, इसी तरह ही अमित है। अमित सामने वाले बॉक्सर को नहीं, वो अपनी गेम फोर्स करता है दूसरे पे, वो अपना स्ट्रेटजी फोर्स करता है। क्योंकि आप बात कर रहे हैं इन साउथपा बॉक्सर्स की, बहुत ही हमारे बेहतरीन बॉक्सर्स हैं, और उम्मीद करता हूं कि मैं इनमें मेडल की कुछ संभावना बने। चलिए श्रोताओं को बता देते हैं कि साउथ पा जो बॉक्सर होते हैं वो लेफ्टी बॉक्सर जो है उनको कहा जाता है, और अब हम बात करते हैं विकास कृष्ण यादव की, जो कि विजेंदर के बाद भारत के दूसरे ऐसे बॉक्सर हैं जो तीसरा ओलंपिक खेलने जा रहे हैं, और देखा अर्जुन पुरस्कार विजेता भी हैं, तजुर्बे की कोई कमी नहीं है, उनका तकनीकी पक्ष के बारे में जानते हैं शिव जी से। सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी बोली कि वो साउथपा बॉक्सर है, हार्ड हिटर बॉक्सर है, और अच्छा खेलने वाला बॉक्सर है, और उनमें थोड़ी सी कमी ये थी कि फिजिकल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस जो वो 75 में खेला करते थे, लेकिन अब की वो वेट नीचे करके खेल रहे हैं। अब जब वेट नीचे करा है तो उसमें एंड्योरेंस की कमी नहीं होगी, और स्ट्रेंथ उनके वेट के हिसाब से है। उम्मीद करेंगे कि इस वेट, बेशक जो वेल्टर वेट है, बॉक्सिंग का सबसे टफ वेट कहा जाता है, और उम्मीद है विकास किशन यादव से, इस टीम के सबसे एक्सपीरियंस मैरी कॉम के बाद मैन में विकास किशन यादव बॉक्सर हैं, और सीनियर बॉक्सर हैं हिंदुस्तान के, अच्छी खेल है, अच्छा अटैक है, और वह अपनी गेम सामने वाले पर फोर्स करते हैं। अब की खासियत यह है कि जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, अगर आप बात करें विकास किशन यादव की, सतीश यादव की, मनीष की, इनकी अपने अमित की, और जितने हमारे खिलाड़ी हैं लड़कियों में और लड़कों में, तो सारे अच्छे खिलाड़ी हैं हमारे। चलिए आशीष की बात करते हैं, अभी तक तो हमने तीन हरियाणा के दिग्गजों की बात की है, अब हिमाचल की बारी कर लेते हैं। हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं आशीष, और ये मिडिल वेट से ताल्लुक रखते हैं, और मिडिल वेट वही वेट है जिसने भारत की बल्ले बल्ले कर दी थी 2008 की बीजिंग ओलंपिक खेलों में, जब विजेंद्र इसी वजन में 75 किलोग्राम वजन होता है, और उसमें उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया था, और पहला पदक था ओलंपिक। औरंगाबाद में इन्होंने मेरे साथ अपना करियर शुरू करा नेशनल कैंप के दौरान, और आस्ता आस्ता हमने इनको ग्रूम करा, फिजिकली फिटनेस लाए, और फिटनेस लाने की थी पहले थोड़ी सी थी, फिजिकली फिटनेस कम थी, और इनको मसल्स को ग्रूम करा और पंच की पावर को ग्रूम करा, और जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, और आपने इनको देखा होगा देश के अंदर खेलते हुए बिग बाउट्स के अंदर, इन्होंने किसी भी बॉक्सर को अपने सामने खेलने नहीं दिया, ठीक नहीं। अब ये हरियाणा उलट फेर करने में बहुत अच्छे, चलिए ये उलट अगर लगातार रहे तो और मजा आ जाएगा। और उलट फेर खेलने में बहुत अच्छे हैं, और दूर से खेलते हैं, निकल के खेलते हैं, और जब खेल अपनी लय में आ जाता है तो वो अपने गार्ड भी छोड़कर सिंगल हैंड अटैक, वेरिएशन अटैक करता है, दोनों साइड से बाहर निकलते, दोनों साइड से बाहर निकलते, और दोनों हाथ का बहुत अच्छा उपयोग कर जो स्टेट में भी, सिंगल पंच के अंदर भी, आज की जो मॉडर्न बॉक्सिंग के अंदर जरूरत है जिस चीज की, वो हमारे इन सभी बॉक्सर्स में है। आप चाहे अमित की बात करें, मनीष की बात करें, इनकी यादव अपने किशन की बात करें, इन सब में है ये चीज, और इनकी ट्रेनिंग में कहीं कमी नहीं है, और इनका अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छे बैकग्राउंड से बॉक्सिंग है, अच्छा खेला हुआ है। जैसे पहले हम सोचते थे कि ड्रा ऐसा हो या किसी, हमें किसी चीज का घबराहट नहीं है, लेकिन हाँ बॉक्सरों का प्रदर्शन ठीक रहना चाहिए, इनके कोई चोट ना लग जाए, कोई कट ना लग जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो
हमारे मेडल तय। चलिए हिमाचल पहलवान, हिमाचल के बॉक्सर के बाद अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बॉक्सर हैं, बुलंदशहर से ताल्लुक रखते हैं, आप समझ गए होंगे, सतीश कुमार, उनकी बात कर रहा हूं मैं। और सतीश कुमार सुपर हैवी वेट के बॉक्सर हैं और एशियन गेम्स में इस बॉक्सर ने जब ये उतर के आए रिंग से तो इनके गले में एक पदक झूल रहा था और वो कांस्य पदक था। उम्मीद करनी चाहिए कि ये प्रदर्शन इनका यहाँ भी जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात बताता हूँ, ये बॉक्सर आपको देखने से ऐसा नहीं लगता कि ये प्लस 91 का बॉक्सर है, और जिस तरह ये खेलता है, ये क्या हुआ कि हम वर्ल्ड चैंपियनशिप खिलाने लेकर गए, ये 2017 की बात है, वहां जाने से पहले तबियत खराब हो गई। किसी भी बॉक्सर की तबियत खराब हो जाए तो मुश्किल हो जाता है, तो हम बातचीत करी, बुखार आ गया, बातचीत करी, मैंने कहा सतीश कैसे हैं आप, अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे, मुझे विश्वास था, कहता सर शरीर में वो वैसा, मतलब हमारे को जो बाउट मिला वो 4 दिन बाद का मिला, हमें बड़ी वो सहायता हो गई कि आज ये 4 दिन बाउट का बाउट है तो हमें बड़ा फायदा मिलेगा, और वो भी बाउट सबसे अच्छे बॉक्सर से मिला, और हमें उम्मीद नहीं थी कि सतीश यादव ऐसा खेलेगा। सतीश यादव ने 1-1 खेला, लेकिन वो लोकल बॉक्सर होने की वजह से उनका बॉक्सर जीत गया, हमारा बॉक्सर हारा, लेकिन पब्लिक सारी खड़ी होकर कह रही थी कि आपका बॉक्सर सेटिस्फेक्शन इसमें, सेटिस्फेक्शन इसमें है। और जिस तरह इन्होंने प्रदर्शन करा, ये स्वयं भी रोने लग गया, कहता सर मेरे साथ तो मुश्किल इन्होंने ये कर दिया, और मेरे ये कट ना लगता तो मैं जीत जाता। तो बॉक्सिंग में ये है कि उनको दूसरे राउंड में ही कट लग गया था, और जहां की उनके बॉक्सर ने फाउल मारा था वो चल गया, निकल गया, और हम उसके बारे में ये नहीं कहते, खेल की भावना है कि ये हमारे साथ धक्का हुआ है, लेकिन हमें ये मानते चलना है कि बॉक्सिंग का हिस्सा है, खेल का हिस्सा है। हाँ, बॉक्सिंग ये खेल का हिस्सा है और खेल के हिस्से के अंदर कुछ भी हो सकता है। भारत श्रीलंका सीरीज में माई 11 सर्कल ऐप पर बनाए अपनी टीम, चैंपियंस को हराएं और जीतें ढेर सारा कैश। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल का ऐप, पाएं 1500 का बोनस, 20% एक्स्ट्रा कैशबैक।